तो आज बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में पेपर पैटर्न। तो एनडीए एग्जामिनेशन में दो पेपर्स होते हैं, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, विच इज 1/3 ऑफ द मार्क्स, दैट इज 0.83 नेगेटिव मार्किंग। अब इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 75 मार्क्स। और इसमें पेपर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दे सकते हैं। क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी बुक को आपको फॉलो करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर 2। ये 600 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज इक्वल टू 1.33। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 25% मार्क्स चाहिए होते हैं, दैट इज 150 मार्क्स टू क्वालिफाई इन दिस पेपर। आपको बता दें मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट दोनों ही पेपर 2.5 आवर्स के होते हैं, 2.5 आवर्स, तो आपको कुल मिला के 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, 5 आवर्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है।